तो आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक है एसिड बेस कॉन्सेप्ट्स इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड अपने आप में एक एसिड होगा या बेस होगा, इसको हमें बताना है। और कौन है जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है और कौन है जो कम एसिडिक है, इस बात पे भी हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में। तो पहले तो हम ये समझते हैं कि एसिड क्या होते हैं और बेस क्या होते हैं। तो ठीक है, हम ये बात समझते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो सबसे पहला साइंटिस्ट आया जिसने बताया एसिड बेस क्या होते हैं, उस चीज को समझते हैं। तो थ्योरी, हमारे पास जो थ्योरी आ रही है उसको लिखते हैं थ्योरी फॉर एसिड बेस। देखिए, थ्योरी नेम हम यहां पर एक लिस्ट बनाएंगे, थ्योरी नेम एसिड बेस ये हमारे पास रहेगा। तो सबसे फर्स्ट थ्योरी हमारे पास जो आई, और यहां हमारे लिए सीरियल नंबर, वो थी आरेनियस थ्योरी। आरेनियस थ्योरी, आरेनियस थ्योरी क्या कहती है कि वो सारे कंपाउंड जो H प्लस देते हैं किसमें, पानी में, वो एसिड होते हैं। कंपाउंड्स विच गिव्स H प्लस आयन इन वाटर कॉल्ड एसिड। ठीक है, बेस के लिए उसने क्या कहा, कहा कंपाउंड विच गिव्स ओ एच माइनस इन वॉटर इज कॉल्ड बेस। तो ये फर्स्ट थ्योरी थी, मुझे बहुत अच्छी लगी, लेकिन हम इसको और आगे डिस्कस करेंगे। पहले एक बार डिस्कस कर लें बेसिक कि सेकेंड थ्योरी कौन सी आई। सेकेंड थी ब्रॉन्स्टेड लोरी। थ्योरी ये क्या कहता है, ब्रॉन्स्टेड लोरी, ध्यान से सुनिएगा, कंपाउंड विच गिव्स प्रोटोन। तो प्रोटोन है क्या अपने आप में, H प्लस, यानी ये वही कह रहा है लेकिन लैंग्वेज अलग है थोड़ी सी। तो अर्थ वही निकल के आता है, मीनिंग वही निकल के आता है कि H प्लस दे, बट इन एनी मीडियम, वहां वाटर था बट इन एनी मीडियम, एनी मीडियम, ये अंतर है। एनी मीडियम का मतलब वाटर हो, अल्कोहल हो, कुछ भी हो, इन एनी मीडियम, वाटर भी इन्वॉल्व है। तो जब भी ऐसा होगा कि प्रोटॉन दे रहा है वो एसिड होगा। और यहां पर हमारे पास आएगा कंपाउंड विच एक्सेप्ट प्रोटॉन, यानी एच प्लस इन एनी मीडियम। तो ये हम बट हटाना पड़ेगा, इन एनी मीडियम वो हमारे लिए क्या हो जाएंगे, बेस हो जाएंगे। थर्ड थ्योरी, हमें इतनी थ्योरी की जरूरत क्यों पड़ रही है, क्योंकि कई बार हम एक ही थ्योरी से बहुत सारे एसिड और बेस को नहीं बता पा रहे। ठीक है, तो थर्ड थ्योरी हमारे लिए क्या है, वो है लुईस थ्योरी, लुईस थ्योरी। तो यहां हमारे पास क्या है, कंपाउंड विच गेन लोन पेयर, एलपी का मतलब लोन पेयर, इन एनी मीडियम। कॉल्ड एसिड। और यहां पर कंपाउंड विच डोनेट लोन पेयर इन एनी मीडियम। हमारे लिए बेस था, सही है। अब बात आती है एक और थ्योरी की जो हमारे को ये बताने की कोशिश कर रही है कि एसिड के लिए हम एसिड और बेस हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम कैसे डिफाइन करेंगे। ये तो बेस थ्योरी है, ये सबके लिए, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, चलिए ठीक है ना। तो एक पॉइंट्स के रूप में हम बात कर लेते हैं, बहुत बेसिक ब्रीफ में डिस्कशंस। आरहेनियस एसिड है, आप बताइए एचसीएल को अगर पानी में डालेंगे
तो एच प्लस देगा या नहीं देगा? देगा। एनएच को यानी एससीएल हमारे लिए क्या है? एससीएल हमारे लिए क्या है? एसिड। एनएच को अगर आपने वाटर में डाला रखा, एच टू वाटर में, तो क्या देगा? ओ एच माइनस। तो ये बेस हो गया, तो ये बेस है और ये क्या है? एसिड। इस तरह से हम बता सकते हैं, यहां एससीएल, यहां पर भी एसिड ही है क्योंकि एच प्लस दे रहा है, ठीक है। वाटर में की जगह अगर हमने अल्कोहल ले लिया तो भी एसिड कहलाएगा। तो ये हमारे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। तो यहां एच प्लस ले ले और दे दे, यहां दे दे, ठीक है। तो इस पे कोई ऐसा कोई खास प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, लेकिन मेरी बात आ रही है कि ऑर्गेनिक में एसिड बेस की पहचान कैसे करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं ऑर्गेनिक एसिड की खास बात क्या होती है। खास तौर पे ऑर्गेनिक एसिड में आपको क्या दिखाई देगा? ये ग्रुप दिखाई देगा या फिर आपको ये ग्रुप दिखाई देगा, जनरली ये OH, और ऐसे बहुत सारे ग्रुप दिखाई देंगे जिसमें हाइड्रोजन एसिडिक हो, या फिर टर्मिनल एल्काइन आपको ये वाला हाइड्रोजन भी एसिडिक है, ये सब एसिडिक है जो हमारे को H प्लस दे सके। मैं आपको और आगे लेवल में समझाऊंगा ऑर्गेनिक एसिड को। और एक ऑर्गेनिक बेस को अगर आप समझना चाहते हैं वो भी हमें समझना, लेकिन एक बात बताइए, ऑर्गेनिक एसिड आपकी कौन सी डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं? आरेनियस, लुईस या ब्रॉस्टेड? मुझे यहां पर आरेनियस से काम चल रहा होता है ना, तो मैं फर्स्ट प्रायोरिटी आरेनियस से देता हूं, मैं नीचे क्यों जाऊंगा फिर? तो क्या आरेनियस इजीली समझा सकता है? तो ये बस आपको अभी यहां पर यही की पॉइंट लिखना है, और वो ये रहेगा ऑर्गेनिक एसिड कैन एक्सप्लेन बाय आरेनियस थ्योरी, बाय आरेनियस थ्योरी। हमें आगे जाने की जरूरत नहीं है, हमें ब्रॉन्स्टेड या लिविस थ्योरी की अभी कोई जरूरत नहीं पड़ रही, पड़ेगी तो यूज कर लेंगे। अब बात करते हैं ऑर्गेनिक बेस की। अब बात किसकी करनी है हमें? ऑर्गेनिक बेस की। ऑर्गेनिक बेस को आरेनियस से नहीं समझा पाएंगे, उसके लिए हमें कौन सा यूज करना है? ब्रॉन्स्टेड से भी नहीं समझा पाएंगे क्योंकि वो लोन पेयर डोनर होते हैं, तो हम उसे किससे समझाएंगे? हम उसे समझाएंगे लुईस से, यानी लोन पेयर डोनर। तो अगला टॉपिक इसी के अंदर रहेगा कि ऑर्गेनिक बेस अगर आपको समझाना है, ठीक है, तो हम कैसे करेंगे? आपने ये टेबल उतार लिया पूरा? कुछ पूछना है किसी को? पक्का? तो अगला टॉपिक हमारा इसी में रहेगा, ऑर्गेनिक बेस। एक बहुत इजीली बात हम समझा सकते हैं ऑर्गेनिक बेस, जो आपने समझ भी रखा है कि हमारे लिए ऑर्गेनिक बेस कैसे दिखाई देंगे। नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्रुप होंगे, नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्रुप, ग्रुप्स लाइक लाइक क्या दिखेगा आपको? NH2 यही होगा, या 2 डिग्री एमीन, जहां पर भी नाइट्रोजन आ जाए इस तरह के कंपाउंड आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, और भी बहुत देखने को मिलेंगे, सही है। तो इन सब में क्या खास बात है? किनके पास लोन पेयर है? दे हैव लोन पेयर, ऑर्गेनिक बेस आर एग्जाम्पल ऑफ लुईस बेस। जैसे हमने ऑर्गेनिक एसिड की बात की थी तो वो क्या थे आपके लिए? आरएनए से। लेकिन यहां हम OH दिख नहीं रहा है,
कि हम आरहेनियस थ्योरी लगा सकते हैं, लगा सकते हैं क्या? तो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा क्या होगा यहाँ पर, सबसे अच्छा पॉइंट, हम इसको या तो लोन पे ये एच प्लस ले सकता है, एच प्लस यहाँ पर कोऑर्डिनेट बोन बन सकता है, या तो हमें यहाँ पर ब्रॉस्टेड लोरी की जरूरत पड़ेगी या फिर लुइस से। तो कुछ किसी से भी समझा दो, आपको लुइस समझाने में बहुत अच्छा आएगा यहाँ पर, ठीक है? तो एक बेसिक इंट्रोडक्शन आपका ऑर्गेनिक एसिड बेस का हो गया, ठीक है? लिखें इसको। तो हम वापिस आते हैं पॉइंट पर, और हमारा पॉइंट ये है कि ऑर्गेनिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ पे कैसे कमेंट करेंगे। तो हेडिंग डलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कंपैरिजन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्गेनिक एसिड देखिए हमारे पास एक है कंपैरिजन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्गेनिक एसिड्स। ऑर्गेनिक स्ट्रेंथ की कंपैरिजन करना है कि कौन सा ऑर्गेनिक एसिड स्ट्रांग है, कौन सा वीक है, ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो हमारे को देखने होंगे। तो इसके लिए हम क्या थ्योरी रखते हैं, कैसे हमें करना है, वो सब हम पाइट उस पर हम बात करेंगे। लेकिन कुछ छोटी बातें जो आपने पहले समझी है कि ऑर्गेनिक एसिड्स की खास बात क्या होती है, ऑर्गेनिक एसिड की खास बात क्या होती है, जो आपने पढ़ा है कि OH ग्रुप, या हम बहुत इजीली बोलेंगे हाइड्रोजन एटम, डायरेक्टली अटैच्ड टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, हाई इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम। अब ये हाई इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम कौन से होते हैं आप बता सकते हैं? हाई इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम होते हैं, हाई इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम होते हैं हैलोजन्स, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन भी है, एसपी हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, एसपी हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, और ऑक्सीजन ग्रुप भी पूरा हो जाएगा लगभग, ऑक्सीजन ग्रुप एलिमेंट। ये हमारे पास आ गया, इस पे हम डिस्कस करेंगे कि किसका ज्यादा होगा, क्या रहेगा, ठीक है? लेकिन अगर हाइड्रोजन इनमें से किसी से भी अटैच हो रहा है तो इसका मतलब वो अच्छा खासा स्ट्रेंथ रखता है, ठीक है? लेकिन मैं आपको फिर बोलता हूं, कंपैरिजन हमेशा रिलेशन किसी के रेस्पेक्ट में होता है। एक बहुत दुबला पतला मरियल का सा शेर है, शेर लॉयन टाइगर इस तरह का, और एक बहुत गब्बर सा चूहा है, लड़ाई हो गई कौन जीतेगा? शेर ही जीतेगा। तो हमें कंपैरिजन देखना होता है, हम कभी किसी को बहुत स्ट्रांग और बहुत वीक तब बोलते हैं जब सामने वाले का पता हो, हमेशा ध्यान रखना। तो हम ऑर्गेनिक एसिड्स और का कंपैरिजन किसी ऑर्गेनिक एसिड से करते हैं, भले दोनों वीक हो, लेकिन दोनों वीक में जो ज्यादा स्ट्रांग होगा उसे हम स्ट्रॉन्गर एसिड बोलने लग जाते हैं। समझ में आ रहा है? तो हमारी क्या आदत होती है कि हम किसी को भी बहुत ताकतवर भी बोल सकते हैं और बहुत ताकतवर इंसान को भी बहुत कमजोर बोल सकते हैं। कैसे? कि यार कोई बहुत अच्छा खासा हेल्थी है और उसको हम खली के सामने खड़ा कर देंगे तो क्या लगेगा वो, कि यार ये तो बहुत कमजोर आदमी है भले वो बहुत अच्छा था। तो यहाँ रेस्पेक्ट की भावना, फीलिंग लानी चाहिए आपको दिमाग में कि आप किसी के रेस्पेक्ट में किसको स्ट्रांग या वीक बोलो, और वो रिलेशंस आपके दिमाग में चल रहा है कि वो किसके रेस्पेक्ट में बोलो आप। तो यूनिवर्सली हम किसको स्ट्रांग बोलें, किसको वीक बने, ये हमारी प्रॉब्लम होने लग गई थी। तो हमने बाय डिफॉल्ट किसको सेलेक्ट करना शुरू कर दिया? वाटर को। वाटर यानी ओ एच, एच टू ओ, जिसके अंदर हाइड्रोजन ओ एच ग्रुप से जुड़ा हुआ है, यानी एच टू ओ से में हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, उसके रेस्पेक्ट में हम देखेंगे कौन ज्यादा स्ट्रांग है, कौन ज्यादा वीक है। समझ में आ रही है बात? तो फिलहाल तो हम ये बात करते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। हमें एक आइडिया लग गया कि हाँ ये अच्छे खासे एसिडिक होते हैं, ठीक है, पक्का? हाँ हाँ बोलो बेटा। तो बेटा देखो, अगर आपने क्वेश्चन ये पूछा है कि जो वीक एसिड है वो आसानी से एच प्लस थोड़ी ना देंगे, ठीक है, मैं मानता हूं आपकी बात की वो आसानी से एच प्लस नहीं देंगे, पक्का। लेकिन आप ये बताओ, जब दो बहुत ही वीक है,
तो बहुत ही ज्यादा वीक है और पानी नहीं है, तो क्या एक देगा एक ले सकता है? हाँ हो सकता है ऐसा, ठीक है ना। तो जो हमारा कहने का मतलब ये कि उनमें कौन ज्यादा स्ट्रांग है हम उस पर भी कमेंट करना चाहते हैं, जो भले ही दोनों वाटर से वीक हो लेकिन उन दोनों में कौन ज्यादा स्ट्रांग है कर सकते हैं। मतलब है दे दो आरेनियस, हम ब्रोस्टेट से कंपेयर कर लेंगे। आरेनियस नहीं लग रही कोई बात नहीं, हमने ये नहीं कहा कि आरेनियस को ही हमें यूज करना है, हमारे पास तीन थ्योरी है, हम मर्जी पढ़े जिसको जहां यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये जो कंपैरिजन होगा अभी हम इसको समझते हैं कि कैसे हम ये कंपेयर करेंगे और कैसे रहेगा, लेकिन ये बात तो समझ में आ जाना चाहिए कि अगर कोई आरेनियस में स्ट्रांग है जनरली फैक्टर, तो वो ब्रॉन्स्टेड में भी स्ट्रांग होगा, ठीक है। ये नहीं है कि वो आरेनियस में स्ट्रांग है ब्रॉन्स्टेड में वीक हो जाएगा, नहीं वो चीज नहीं है, ठीक है। तो जो आरेनियस में स्ट्रांग है तो हमें जहां जो जरूरत पड़े जिससे जल्दी आसानी से आंसर आ जाए हम वो यूज करेंगे, थ्योरी आ रही है बात समझ में। तो और ओवरऑल मिला के मैंने सब थ्योरी को मिला के एक थ्योरी बना ली है जिसको मैंने मेरा नाम दे दिया सुनील लखोटिया थ्योरी, आप उसी से करेंगे, ठीक है ना। तो पहले तो ऑर्गेनिक एसिड में हाइड्रोजन एटम्स होता है, ये बात तो तय है, और हमारे पास वो हाइड्रोजन एटम एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम यानी sp हाइब्रिडाइज कार्बन ऑक्सीजन नाइट्रोजन हेलोजन से जुड़ा हुआ है, या ऑक्सीजन ग्रुप या सही है जैसे सल्फर सेलेनियम अगर है तो उससे भी जुड़ा होगा। लेकिन कितने ऑर्गेनिक कंपाउंड में आप सल्फर सेलेनियम जैसे एलिमेंट्स को देखते हो? कम ही देखते हो, ठीक है। तो हमें उतनी डेप्थ में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, हम यहां बात कर रहे हैं एक एसिड बेस बेसिक और सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड में। तो मेरे पास कुछ टर्मिनोलॉजी है जो काम आएगी इस चैप्टर के अंदर, जो मुझे बताएगी कि कौन सा एसिड को कैसे कंपेयर करें। तो टर्मिनोलॉजी पहले पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी। एक सबसे पहले हमारे लिए आता है के ए, ये बहुत यूज होता है के ए, है क्या इस चीज को समझते हैं। किसी भी एसिड को रख लीजिए, एसिड है आपके पास एच और ये ए, ए क्या है यहाँ पर, कोई एटम है? नहीं, ग्रुप है जिससे एच जुड़ा हुआ है। ऑर्गेनिक एसिड में एच तो हो गई, बाकी का जो भी रिमाइंडिंग पार्ट है वो ए हो गया। इसको पानी में रखना जरूरी है, यानी के ए कहाँ डिफाइन होगा? डिफाइन इन वाटर, ये पहली लाइन दिमाग में रखना कि वाटर के अंदर हमने डिफाइन कर दिया। अब क्या होगा, ए माइनस हो जाएगा जिसने एच दिया, समझ में आ रही है बात। तो ये डिसोशिएट हुआ है प्लस एच प्लस, और वो एच प्लस किसने ले लिया, एच टू ने, तो H3O+। ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, कुछ समझ में आया, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। अगर ए माइनस बहुत ज्यादा स्टेबल है तो ये फॉरवर्ड में जाएगा, और कम स्टेबल है तो बैकवर्ड में ही ज्यादा रहेगा, फॉरवर्ड में बहुत कम, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इन सबका रेशियो, अगर हम बात करें के ए की वैल्यू, जो कि यहां पर के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी कहलाता है जिसका नाम डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड है। के हमारे लिए क्या है यहां पर, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकालते हैं, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट कौन है ए माइनस और कौन है H3O+, H3O+ को H+ भी लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, डिवाइडेड बाय एच ए एसिड्स, समझ में आ रहा है खत्म, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे पास ये हमारे पास हो गया के की वैल्यू यहां पर, क्योंकि बहुत आसान है, सही है। मेरा ये H3O और ये H2O है, ठीक है। तो एक तरह से देखा जाए तो हम H2O इतना ज्यादा एक्सेस में होता है कि उसको हम कंसीडर नहीं कर रहे होते, ठीक है। या हम इसको ऐसे ले लेते हैं ए माइनस एच प्लस बात बराबर है और एच ए, इज दैट क्लियर। तो आप मुझे बताइए इससे रिजल्ट्स क्या बनेगा के से, समझ में समझना पहले, सबसे पहले स्टेबिलिटी ऑफ ए माइनस, जो
जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, मूवमेंट ऑफ रिएक्शन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन उतना ही ज्यादा होगा, मूवमेंट ऑफ रिएक्शन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन उतना ही होगा, बोलो हाँ या ना। और रिएक्शन मूवमेंट फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा तो कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस आयन वो भी उतना ही ज्यादा होगा, पक्का। एसिडिक स्ट्रेंथ, उतनी ही ज्यादा होगी, बोलो यस और नो। और के की वैल्यू भी उतनी ही ज्यादा होगी, तो कहीं ना कहीं हम ये बोल सकते हैं हायर द वैल्यू ऑफ के ए हायर स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। तो हमारे लिए यहां पर के ए की वैल्यू भी उतनी ही ज्यादा होगी, ये हमारे लिए पॉइंट हो गया। हाँ बोलो बेटा। हाँ तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट हुआ, H2O बहुत ज्यादा एक्सेस में, इसलिए H2O को नहीं लेंगे हम। कोई चीज बहुत ज्यादा होती है तो उस पर डिपेंडेंट क्या होता, डिपेंडेंसी क्या हो जाती है, कम इन लार्ज क्वांटिटी। तो आपको ये चीज समझ में आ गया, पहले ये समझ में आया या नहीं आया कि एसिड्स हमारे लिए है क्या? तो जब आपको एसिड समझ में आ गया है तो आपके दिमाग में एक ही चीज रहा है कि ए माइनस जितना ज्यादा होगा आपका एसिड, स्टेबिलिटी ऑफ ए माइनस जितनी ज्यादा होगी एसिड उतना ही ज्यादा स्ट्रांग होगा या नहीं होगा, पक्का। तो दूसरी टर्म आपकी एक और इंतजार कर रही है, ये अच्छे समझ में आ गया, पक्का। यानी एक ऐसा कंपाउंड जिसमें ए माइनस ज्यादा स्टेबल है तो हम ये बोल सकते हैं कि वो ज्यादा एसिडिक होगा, कौन, एच ए। तो इसी को रिजल्ट्स के फॉर्मेट में लिखना चाहता हूं आपके लिए, और वो रिजल्ट क्या है आपके पास जो आप बोल रहे हो एच ए से क्या बन रहा है, ए माइनस और एच प्लस, इसको बोलते हो आप एसिड। क्या बोलते हो इसको, एसिड। ए माइनस का नाम क्या रखा जाए, कुछ तो रख दे हम, इसका नाम रखते हैं हम एसिड के लिए होता है कॉन्जुगेट बेस। मुझे किसी ने कहा कि आपने ये नाम क्यों रखा, तो मैंने कहा ये नाम मैंने नहीं रखा, ब्रॉन्स्टेड ने रखा है। किसने रखा है, ब्रॉन्स्टेड ने। तो फिर दूसरा क्वेश्चन, ब्रॉन्स्टेड ने ये नाम क्यों रखा, भाई इसको एसिड बोल रहे हैं, ये H प्लस दे रहा है, ये H प्लस ले रहा है या नहीं ले रहा, बैकवर्ड डायरेक्शन में देखो, तो ये अपने आप में क्या हो गया, बेस, पक्का। क्योंकि ये प्रोडक्ट साथ की तरफ से H प्लस ले रहा है तो इसलिए अपने ने क्या रख दिया इसका नाम, कॉन्जुगेट बेस, यानी ये इसका कॉन्जुगेट बेस है। तो किसी का भी कॉन्जुगेट बेस निकालना हो तो उसमें से एच हटा दो, तो आपके लिए हो गया। कॉन्जुगेट बेस निकालना बहुत आसान है, तो यहां एक पॉइंट निकलेगा फॉर डिटरमाइन डिटरमाइन कॉन्जुगेट बेस ऑफ एनी एसिड बाय रिमूविंग ओनली वन, वन के नीचे अंडरलाइन, ओनली वन हाइड्रोजन। अगर दो निकाल दिए तो फिर दिक्कत है क्योंकि एक ही निकालना होता है आपको। हाँ हाँ, किसी भी ग्रुप की माइनस चार्ज हो उसकी स्टेबिलिटी हम दो माइनस चार्ज की स्टेबिलिटी में कंपेयर करेंगे। आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि किसी पे भी माइनस चार्ज आ रहा है तो उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, लेकिन क्योंकि मीडियम क्या है, एक्वा से, तो वो हाइड्रेटेड भी दे देता है।
इनका क्वेश्चन पे मैं आऊंगा, बहुत अच्छा है, लेकिन पहले मेरी बात ये चीज क्लियर रखी जाए. फॉर डिटरमाइन कॉन्जुगेट बेस ऑफ एनी एसिड बाय रिमूविंग ओनली वन हाइड्रोजन. समझ में आ रहा है? दो हाइड्रोजन मत निकालना. समझ में आ रही है बात? फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये है सी डबल ओ एच और सी डबल ओ एच, तो इसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? सी डबल ओ माइनस ये होगा, ना कि ये वाला भी हाइड्रोजन. तो ये एसिड है, ये उसका कॉन्जुगेट बेस है, और इसका कॉन्जुगेट बेस निकालना हो तो ये एच और निकालना पड़ेगा. नहीं, जो दूसरा निकलेगा, यानी आप यहां नोट डालेंगे सी डबल ओ माइनस सी डबल ओ माइनस इस कॉन्जुगेट बेस. ये कॉन्जुगेट बेस कब बनेगा? जब ये एसिड बने, ये एच दे, इस कॉन्जुगेट बेस ऑफ सी डबल ओ माइनस सी डबल ओ एच. आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, ये इन पे ही हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि एक न्यूट्रल के कंपेयर में एनायन कैसे स्टेबल है या नहीं है. पहला क्वेश्चन मैं क्लियर कर दूं, फिर उसके बाद में अगले क्वेश्चन में आऊंगा. देखिए, आप अच्छे से जानते हैं NaCl अपने आप में पूरा कंपाउंड जब रहता है क्रिस्टल फॉर्म में, वो क्या है? न्यूट्रल है या नहीं है? है. लेकिन जब पानी में डालते हो तो वो आयन में क्यों डिसोशिएट हो जाता है? कभी सोचा है आपने कि न्यूट्रल जब स्टेबल है? क्योंकि आयन में, आप खुद ही सोच लीजिए थोड़ा सा, कि NaCl को जब आप पानी में डालते हैं, ये अभी क्रिस्टल है, जब वाटर में डालते हैं तो ये आयन में हो जाता है, Na प्लस अलग हो जाता है, Cl माइनस अलग हो जाता है, क्योंकि ये हाइड्रेटेड हो जाता है. हाइड्रेटेड का मतलब ऑक्सीजन पे माइनस डेल्टा इसको अट्रैक्ट करता है. तो अगर हाइड्रेटेड होने के साथ एक एनर्जी मिल रही है, वो इस बात पे डिपेंड करेगी कि ये अपने आप में कितना स्टेबल है, कितना ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी देगा, तो ये अलग हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा. बहुत सारे ऐसे कंपाउंड है, मेटल हाइड्रोक्साइड है, मेटल ऑक्साइड है, जिनको पानी में डालो डिजोल्व ही नहीं होते. तो कोई भी ये कहना कि कोई भी कंपाउंड पानी में डालने के बाद पहले न्यूट्रल था, जैसे एच है, और अब ए माइनस और एच प्लस बन रहा है, ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ कहीं ना कहीं बहुत सारे फैक्टर आ रहे होते हैं कि इसकी हाइड्रेशन एनर्जी बहुत अच्छी है, इंडिविजुअली रह सकता है, इसलिए ऐसा कुछ हो रहा है. आ गई बात समझ में? एक बॉन्ड हाइड्रेशन एनर्जी का मतलब इसको कौन जोड़ देगा? एच प्लस है ना वाटर का, मैं किसके अंदर बात कर रहा हूँ? पानी में, हवा में नहीं टूटेगा. तो ये रहा, तो एक एनर्जी जनरेट होगी, प्लस डेल्टा, और ये इस कारण ये रहेगा. और ये पूरा कंसेप्ट हम पढ़ भी वाटर में रहे हैं, और पानी बहुत ज्यादा है हमारे पास. अगर प्योर HCl लोगे, प्योर HCl, तो पता है वो क्या रहेगी? गैस. लेकिन उसी गैस को पानी में डालते वो H प्लस और Cl माइनस में आ जाती है, क्योंकि Cl माइनस की हाइड्रेशन एनर्जी बहुत अच्छी खासी है, और पूरी डिकम्पोज हो जाती है. अब बोलो और कौन सा डाउट है? यहां, हाँ निकाल लो. नहीं बिल्कुल, उस यहां एक तरह से इस इन सब पॉइंट पे हम डिस्कस करेंगे कि दूसरा निकालेंगे तो वो आसानी से निकलेगा या नहीं निकलेगा. ये अभी हमारा क्वेश्चन नहीं है, ये अगला टॉपिक है. अभी हमारा है कि अगर ये निकालता है तो ये बनेगा, और ये निकालता है तो ये बनेगा. ये वाला कंपाउंड इसका कॉन्जुगेट बेस कहलाएगा, ये वाला इसका कॉन्जुगेट बेस कहलाएगा. समझ में आ रही है? ये निकालेगा या नहीं निकालेगा ये हम पढ़ ही नहीं रहे. अभी निकलता है तो ऐसा होता है, ठीक है? अब निकालेगा या नहीं निकालेगा और उसके आगे के हमारे पॉइंट्स बाकी हैं. अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी. हमने कौन सी टर्मिनोलॉजी पढ़ी है? के. समझ में आ रहा है? पक्का? आपको क्या लगता है, अगर यहां जो रिजल्ट आ रहा है वो एक और रिजल्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, हम उस रिजल्ट से भटक रहे हैं? और वो ये है, हायर द वैल्यू ऑफ के ए शो स्ट्रॉन्ग एसिड. स्ट्रॉन्ग एसिड, पक्का? कोई दिक्कत नहीं है. तो मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा, बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है, कि जनरली जो ऑर्गेनिक एसिड है,
उनके लिए के की वैल्यू एक से छोटी होती है। के की वैल्यू एक से छोटे होने का मतलब क्या है कि पूरी तरह से ये प्रोडक्ट यानी एनायन में नहीं चेंज हो पा रहे हैं, बहुत कम क्वांटिटी में हो रहे हैं। समझ में आ रहा है, हम ये कह ही नहीं रहे, पूरा डिसोशिएट हो रहा है। तो ऐसे कौन से कंपाउंड्स हैं जिनके लिए के की वैल्यू एक से ज्यादा होगी, वो जनरली स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे जैसे H2SO4, HNO3 वगैरह, HI, HBr, ठीक है। और ऑर्गेनिक के लिए तो कम होंगे, वन है तो ठीक है। तो क्या के की वैल्यू एक से एक के बराबर है तो हम एसिड नहीं बोलेंगे? हम तो एसिड बोलेंगे, कंपेरिजन चलता है ना बेटा। एक के लिए के की वैल्यू वन है और एक के लिए 0.5 है, कौन ज्यादा है? वन वाला ज्यादा है। 0.5 है, एक के लिए 0.25 है, 0.5 वाला ज्यादा हो गया। हम बोलेंगे 0.5 इज मोर या इसे बोलेंगे 0.5 जिसके लिए है इज स्ट्रॉन्गर एसिड एज कंपेयर 0.25 के वैल्यू। आपको आइडिया भी नहीं है लेकिन मैं आपको बता दूं, जिनको आप बोलते हो एसिड CH3COOH वगैरह वगैरह, इनके लिए के की वैल्यू 10^-4 के ऑर्डर की होती है। तो आप सोचो कितना छोटा वैल्यू है, 4 10^-4 यानी 0.0001। लेकिन आप बताइए वो सारे कंपाउंड जिसके लिए के की वैल्यू 10^-4 होगी तो क्या प्रोडक्ट नहीं बनेगा, एच प्लस नहीं बनेगा? बनेगा, तब भी बनेगा, तभी तो 10^-4 आई है, जीरो तो नहीं आई। 10^-4 क्या जीरो से बड़ा होता है या नहीं होता? होता है ना, तो बस जीरो से बड़ा है तो एसिडिक है, जो एच प्लस दे वो एसिडिक है। एनायन एनायन अनस्टेबल होता है बेटा। देखो आपको मैं फिर बताता हूं, आपके दिमाग में एक बहुत चीजें बैठी हुई है कि एनायन स्टेबल होता है या अनस्टेबल होता है। देखिए ये बात तो सही है कि न्यूट्रल के कंपेयर में बहुत सारी चीजें, हमेशा एनायन हो या कैटायन हो, अनस्टेबल होता है, लिखिए ये बात दिमाग में बिठा लो। लेकिन दिमाग में एक चीज और बिठाओ साथ के साथ कि ये नहीं कि अनस्टेबल होता है तो बिल्कुल ही डिकम्पोज नहीं होगा। समझ में आ रहा है, अनस्टेबल होगा तो कम बनेगा, स्टेबल होगा ज्यादा, थोड़ा सा ज्यादा। देखो है तो अनस्टेबल, लेकिन अनस्टेबल में भी दो लेवल हो गए, एक ज्यादा अनस्टेबल एक कम अनस्टेबल। तो जो कम अनस्टेबल होगा वो थोड़ा ज्यादा डिकम्पोज होगा, ज्यादा एच प्लस बनाएगा। और यहां बात चल रही है मिलियन या बिलियन में से एक आयन बन रहा है, बन तो रहा है, हम तो उस पर बहस कर रहे हैं, कोई दिक्कत? और जैसे जैसे स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी, मिलियन की जगह हजारों मॉलिक्यूल में से टूटने लग जाएंगे, और ज्यादा बढ़ेगी 100 में एक टूटने लग जाएगा। समझ में आ रहा है, और बढ़ जाएगी 10 में से एक टूटेगा, इस तरह से चल रहा है पक्का। तो अब भी हमारे जितनी भी ऑर्गेनिक एसिड है इसका मतलब वो तो बहुत वीक है, उनके लिए तो के की वैल्यू एक से छोटी नहीं, बहुत बहुत छोटी होती है। ये तो मैंने लिखने के लिए लिखा है, नहीं तो इनकी बहुत ज्यादा छोटी होती है। कुछ ऐसे कंपाउंड भी हैं जिनके अंदर 10^46 मॉलिक्यूल में से एक एच प्लस अलग हो रहा है, मैं तो उसको भी यहां पर एसिड बोलने की कोशिश कर रहा हूं। 10^46 में से एक मॉलिक्यूल में एच प्लस निकला, क्या निकला? कुछ भी नहीं निकला, लेकिन वो एसिड है, स्ट्रॉन्ग है। किससे स्ट्रॉन्ग है? उससे जिसके लिए 10^40 से भी या 50 से या 60 से भी ज्यादा मॉलिक्यूल में से एक निकल रहा है। आप मेरी फीलिंग्स को समझे, ये मेरी फीलिंग्स है इस जगह। तो अब आप सोचिए कि 10^40-50 में से एक मॉलिक्यूल निकल रहा है, आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये मेरे पे छोड़ दो, वो अभी हमारा टाइम नहीं है। हमारा टाइम ये आ रहा है कि हम डिस्कस क्या कर रहे हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ में कौन ज्यादा स्ट्रांग है। हटा दूं मैं, एक और टर्मिनोलॉजी आपका इंतजार कर रही है और वो है पीकेए। क्या है वो? पीकेए। तो सेकंड टर्मिनोलॉजी, कंसेप्ट ऑफ पीकेए, लिखिए इसको, कंसेप्ट ऑफ पीके। तो अगला पॉइंट है हमारा पीकेए। पीके नहीं है ये, बिना पीए आया है, लेकिन फिर भी नाम पीके है। पीके बताओ, नाम ही अजीब सा है। तो पीकेए का मतलब कुछ भी नहीं है। एक्चुअल में हो ये रहा था कि के की वैल्यू बहुत ज्यादा कम थी, 10^-40, 10^-50, तो हमने क्या कर दिया, -log KA। अब आप एक सेकंड के लिए सोचिए, दो एसिड है, एक का नाम है HA,
ए का नाम है एच बी, इसके लिए के ए की वैल्यू है 10^-10 और इसके लिए 10^-12 के ए की वैल्यू। आप बताइए पी के ए की वैल्यू क्या होगी इसके लिए, इसको स्मॉल लिखते हैं, पी के ए की वैल्यू क्या होगी 10 और इसके लिए क्या होगी 12। समझ में आ गया, कैसे पता लगाया, माइनस लॉग ले लो, आता है लॉग लेना। चलिए तो अब बताइए इससे क्या पता चल रहा है, इससे पता चल रहा है, हाँ बेटा इससे, हाँ तो माइनस लॉग जानते हैं ना, माइनस लॉग लेना जानते हैं, चलिए ठीक है जानते हैं तो फिर मत डिस्कस करें इस पॉइंट पे, अगर आगे चलते हैं तो एसिडी के के की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी पीके उतना ही क्या होगा कम। समझ में आ रहा है, और के और एसिडी की स्ट्रेंथ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, तो यहां हमारे पास क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट बन के आ रहा है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां बन के आ रहा है, हायर द वैल्यू ऑफ PKa शो लेस एसिडिक, क्या मैं सही हूं, शो लेस एसिडिक, क्या मैं सही हूं, बोलो हाँ हूं। तो जितना ज्यादा PKa की वैल्यू बढ़ती जाएगी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी क्या होती जाएगी कम। यस और नो, क्लियर है कॉन्सेप्ट्स, तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको समझनी है, लिखे इसको नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी। तो हमने अभी हाल ये पढ़ा, हायर द वैल्यू ऑफ पीके शो लेस एसिडिक, तो और दूसरी तरफ हमने ये भी पढ़ा, हायर द वैल्यू ऑफ के मोर एसिडिक। समझ में आ रहा है, तो ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई अभी तक, तो कुल मिला के एसिडिक स्ट्रेंथ प्रोपोर्शनल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल पीके, बस समझने के लिए ये कि हाँ जल्दी क्वेश्चंस बनाने हो। अब बात आती है नेक्स्ट टॉपिक की, यहां तक इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी समझ में आ गई, हाँ बोलो बेटा, क्या बेटा, बेस अभी हम पढ़ ही नहीं रहे, बेस की टर्मिनोलॉजी बेस के अंदर पढ़ेंगे, एसिड पढ़ रहे हैं, एसिड के ऊपर ही कमेंट करेंगे हम पूरा, तो चलिए ठीक है। देखिए हम बात करने जा रहे हैं कुछ एसिड्स जिसमें ऑर्गेनिक भी है इनऑर्गेनिक भी है, और उनकी स्ट्रेंथ के ऊपर कमेंट करना। मैं आपको बताना चाहूंगा, ये टेबल स्टार्ट करूं उससे पहले कि H2O भी अपने आप में एसिड है जो H प्लस और OH देता है, बहुत कम देता है लेकिन देता है, और H3O प्लस भी अपने आप में एक एसिड है जो H प्लस और H2O देता है। समझ में आ रहा है, तो कोई मुझे अगर ये बताए कि H2O का कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, H2O का कॉन्जुगेट बेस तो क्या होगा OH माइनस, और H3O का कॉन्जुगेट बेस क्या होगा H2O, कॉन्जुगेट बेस निकालते वक्त H निकाल दो आप, तो दोनों एसिड है, कौन ज्यादा आसानी से देगा, ऑब्वियसली जिसके ऊपर प्लस चार्ज होगा वो H प्लस निकालने की ज्यादा टेंडेंसी रखेगा, ये एक बेसिक सा रूल मैंने निकाल लिया है जनरली, लेकिन बहुत सारे रूल बनने बाकी हैं और वो इस बात पे डिपेंड करेंगे कि हमारे पास डाटास क्या आ रहे हैं प्रैक्टिकल। ये सारे वैल्यूज के ए की बता रहे हैं, जैसे पीके निकाल लिया पानी में यानी वाटर के अंदर, तो आप देखेंगे ऊपर से नीचे जाने पर पीके की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, यानी के ए की वैल्यू क्या होगी डिक्रीज, तो सबसे ज्यादा के ए की वैल्यू कहां होगी ऊपर वाले के लिए, यानी एच एस बी एफ सिक्स स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है इन सब के अंदर, ठीक है, इन सब में सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड ये है। तो अगर आप यहां नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं, इस तरफ आप मुंह कर रहे हैं, तो आप मुझे बताएं एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी या कम होगी, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस, बोलो हां या ना, तो अगर आप ऊपर जा रहे हैं तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी बढ़ेगी, तो मैं इसको इस तरह से लिखना चाहूंगा, क्या लिखूंगा मैं यहां पर, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस इंक्रीजेस, इस तरह से जाने पर, बोलो यस और नो, तो ये बहुत ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगा, और जिसका एसिड बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा
उसका बेस कॉन्जुगेट बेस उतना ही क्या होगा, वीक होगा। तो यहां ऊपर जाने पर इस जगह देखा जाए तो बेसिक स्ट्रेंथ कहां बढ़ेगी, नीचे जाने पर। तो यहां इस तरह से आपका बनेगा, और क्या लिखोगे आप इस जगह, बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। समझ में आ रहा है? तो मैंने ये वैल्यू भले ही पीके की वैल्यू या के की वैल्यू मैंने वाटर में निकाली है, लेकिन इससे मुझे ये पता चल गया कौन ज्यादा स्ट्रांग है और कौन ज्यादा वीक है। ब्रॉस्टेड कहता है कि अब आप बहुत आसानी से बता सकते हो एसिड बेस रिएक्शन के लिए वाटर की जरूरत नहीं है, लेकिन पीके की वैल्यू निकालने के लिए वाटर की जरूरत थी, पक्का। और दूसरी बात, ब्रॉन्स्टेड ये कहता है कि एसिड बेस रिएक्शन कराते वक्त हमेशा ध्यान रखना, वो ये कहता है कि आप एसिड बेस रिएक्शन करा सकते हो, लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक एसिड बनता है, स्ट्रॉन्ग बेस से वीक बेस बनता है। इसको मैं लिखाऊंगा आपको आगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस टेबल के अंदर। लेकिन आपको पहले ये तो पता चले इस टेबल के अंदर सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है, HSBF6। और स्ट्रॉन्ग बेस कौन है, C2CH यानी एल्काइन, एल्काइन का माइनस साइन, इसको आप बोल सकते हो विनाइल, विनाइल ग्रुप है, विनाइल एनायन, या आप बोल सकते हो इस जगह इस टेबल के अंदर दिस मेरे लिए सी डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH माइनस है। इस टेबल के अंदर एक और चीज और आ सकती थी एल्केन, नीचे एल्केन ले सकते थे। तो अगर नीचे और जाता तो आप देखते यहां पर सबसे नीचे आता फिर CH3 एल्केन, और उसका कॉन्जुगेट बेस बनता CH3 CH2 माइनस, बनता या नहीं बनता, बनता। तो स्ट्रॉन्ग बेस कौन होता है ये, ये आपके पास स्ट्रॉन्ग बेस होता तो आपको ये किस तरह से लिखना है, मैं अब बताता हूं आपको कैसे लिखना है। लिखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फर्स्ट, एक एक करके पहले पॉइंट्स लिखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट। फर्स्ट वैल्यू क्या है जो आपको निकालने में आया, के ए डिफाइन, जो आपने के वैल्यू निकाली है, डिफाइन इन वाटर या एक्वस मीडियम। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है आपके पास, समझ में आ रहा है, के की वैल्यू आपने निकाल दी। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए है स्ट्रॉन्ग एसिड इज स्ट्रॉन्ग एसिड इन अबाउटेबल, कौन है आपके पास, HSBF6, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है इन सब में, कुछ समझ में आ रहा है। और स्ट्रॉन्ग बेस देखा जाए तो CH3 CH2 माइनस यानी R माइनस, आप इसको बोल सकते हो R माइनस। कॉन्जुगेट बेस कैसे निकाला जाता है, गिवन कंपाउंड में से H हटा दो, H या H प्लस। तो कॉन्जुगेट बेस कैसे निकाला जाता है, कॉन्जुगेट बेस निकालने के लिए H प्लस निकाल दो, ये शॉर्ट टर्म में आप लिखते चले जाओ। तो जब अगर कोई न्यूट्रल है तो उसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, एनायन, लेकिन अगर कोई कैटायन है तो उसका न्यूट्रल होगा कॉन्जुगेट बेस, बोलो यस और नो। कोई ऑलरेडी कैटायन है तो क्या यहां पर कैटायन भी है कोई, हाँ ये H3O+ कैटायन है, तो इसका कॉन्जुगेट बेस वाटर हो रहा है H2, यस और नो। तो ये कुछ पॉइंट्स है, तो इन पॉइंट्स के हाइलाइट्स क्या हैं जो मैं अब आपको बताना चाहूंगा। मेरे दिमाग में कुछ चीजें आ रही है कि मैंने न्यूट्रल पॉइंट अपनी लिए वाटर ले रखा है, तो वाटर कहां आ रहा है मेरे पास, इस जगह आप देखो 20 नंबर पे,
समझ में आ रहा है? 20 के नीचे जाने की कोशिश करो, इससे क्या पता चला है? अल्कोहल वाटर से स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक है? वीक है, यानी अल्कोहल वाटर से वीक एसिड है, और जैसे जैसे उसकी डिग्री बढ़ेगी उसकी वीकनेस और बढ़ेगी, यानी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन होगा? 1 डिग्री। सबसे ज्यादा वीक कौन होगा? 3 डिग्री। ये आपने जैसे जैसे OH ग्रुप पे R ग्रुप अटैच होते जाएंगे, अल्काइल ग्रुप अटैच होते जाएंगे, उसकी स्ट्रेंथ क्या होती जाएगी? कम। ये क्यों हो रही है हम और पढ़ेंगे आगे, लेकिन एक इस टेबल से आइडिया जो मेरे निकाल रहा है दिमाग में वो चीज आ रहा है, ठीक है। मैंने ये देखा कि यहां पर है, लेकिन यहां पर हाइड्रोजन कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक है, और फिर भी एसिडिक है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं यहां जो एनायन बनेगा वो क्या होगा? ये देखो एनायन बनेगा वो कहां होगा? रेजोनेंस में। समझ में आ रहा है? रेजोनेंस में, जबकि यहां रेजोनेंस नहीं है, लेकिन नेगेटिव चार्ज कहां पर है? ऑक्सीजन पे, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे। यानी कहीं ना कहीं आपको ये भी देखना पड़ेगा कि नेगेटिव चार्ज कहां पर है, किस एटम पे, किस साइज के एटम पे, उस एटम पे और कौन से ग्रुप जुड़े हुए हैं, ये सारे फैक्टर आपको देखने पड़ेंगे। तो कौन सा कब डोमिनेट करेगा ये अपन इसके बाद लिखते चले जाएंगे। आप एक और चीज देख रहे हैं कि यहां पर H2 भी एसिड है लेकिन बहुत वीक है वाटर के कंपेयर में। आप देखो वाटर का पीके की वैल्यू 15.7 और कहां H2 की वैल्यू 35। लेकिन आप मेरे को बताओ कि कौन ज्यादा, इस पॉइंट को देखते हुए कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है? OH माइनस बेसिक स्ट्रेंथ, OH माइनस या H माइनस? नीचे जाने पे बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ रही है, OH माइनस और H माइनस में कौन ज्यादा है? H माइनस स्ट्रॉन्गर बेस देन OH माइनस, और H माइनस से भी ज्यादा है R माइनस। हाँ या ना? सही है। तो अब आपके दिमाग में ये पॉइंट बहुत अच्छे से घुसा हुआ होना चाहिए, OH माइनस से स्ट्रॉन्ग बेस है H माइनस, H माइनस से R माइनस। चलिए और भी इन्वॉल्व कर सकते हो बीच में, OR माइनस, OR माइनस देखो यहां आ रहा है, OH के बाद OR आ रहा है, OR के बाद H आ रहा है, H के बाद 10, और H माइनस से भी ज्यादा कौन है? NH2 माइनस। तो ये वो वाले पॉइंट्स हैं जो आपके बहुत काम आएंगे, समझ में आ रहा है? अच्छा आप मुझे बताओ कि OH माइनस ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है या ये वाला एल्काइन वाला? एल्काइन वाला ज्यादा बेसिक है, समझ में आ रहा है? उल्टी तरफ पूछ रहा हूं मैं आपसे, उल्टा तरीके से, H2O ज्यादा एसिडिक है या एल्काइन? H2O, एल्काइन ज्यादा एसिडिक है, ध्यान से सुनना, या एल्कोहल? एल्कोहल, पक्का कोई दिक्कत नहीं है? ये कीटोन है, कीटोन ज्यादा एसिडिक होता है या एल्काइन? कीटोन, समझ में आ रहा है? कौन ज्यादा एसिडिक है, कीटोन या एल्काइन? कीटोन। NH3 यानी अमोनिया ज्यादा एसिडिक है या एल्काइन? एल्काइन। तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए एल्केन सबसे कम एसिडिक है, फिर एल्कीन, अमोनिया, हाइड्रोजन, एल्काइन, एल्डिहाइड, 2 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल, वाटर, फिर ये एक तरह से अमोनियम या एनिलीनियम आयन बोलेंगे, एनिलीन से बना है, आयन हो गया एनिलीनियम, फिर बाइकार्बोनेट, फिनोल। तो यहां एक और पॉइंट है, फिनोल और वाटर में कौन ज्यादा एसिडिक है? फिनोल। तो फिनोल जब वाटर से ज्यादा एसिडिक है तो अल्कोहल से तो ज्यादा हो गई, फिर अमोनियम, फिर ये भी कीटोन है। लेकिन यहां पर दिक्कत क्या आ रही है कि ये बहुत अच्छा पॉइंट आया है कि यहां पर नेगेटिव आयन जो है वो डबल रेजोनेंस में है, और ये वाला कीटोन स्पेशल कीटोन है, टू साइडेड रेजोनेंस, ये फिनोल से भी ज्यादा एसिडिक है, दिख रहा है ना? ये याद रखने वाला पॉइंट है, फिनोल से भी ज्यादा एसिडिक है, लेकिन ये कार्बोक्सिलिक एसिड से कम है, कार्बोनिक एसिड से, कार्बोक्सिलिक नहीं कार्बोनिक, और कार्बोनिक कार्बोक्सिलिक से कम है, यानी इससे ज्यादा ये, इससे ज्यादा ये, और इससे भी ज्यादा HF, इससे भी ज्यादा HF, यहां तक HF तक, क्योंकि पीके की वैल्यू 3.2 है, तो इसका मतलब के की वैल्यू क्या है? 10 पावर माइनस 3.2। जब तक
पीके की वैल्यू जीरो नहीं आ जाती तब तक हम सब एसिड को अपनी लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, वीक। CF3COOH से ये वाले सारे वीक है और ये जितने भी है ये सब स्ट्रांग है। तो अगर मुझसे कहा जाए तो मैं यहां से लेके यहां तक अगर रेंज बनानी जाए तो मैं क्या करूंगा, स्ट्रांग एसिड वीक एसिड। तो इस टेबल में वीक एसिड की रेंज कहां से स्टार्ट होती है, CF3COOH, और कहां तक रहती है, R माइनस। पक्का? आप एक बात और बताइए, फिर उसके बाद आप कहां पहुंच गए, HF, कहां पहुंच गए थे आप, HF, HF के बाद यहां पर CF3COOH, फिर HNO3 स्ट्रांग है, स्ट्रॉन्ग में चालू हो गया, उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है H3O+, उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ROHH+, यानी ऑक्सीजन में प्लस होगा तो वो उसकी वैलेंसी कितनी होगी, 3। फिर कीटोन पे प्लस, फिर उसके बाद और भी ज्यादा ईथर वाला प्लस, फिर उसके बाद बेंजीन सल्फोनिक एसिड हो गया, फिर HCl, फिर HCl से ज्यादा HBr और H2SO4 लगभग बराबर है। लेकिन अगर मुझसे कहा जाए तो मैं थोड़ा सा HBr को ज्यादा मानूंगा। ये डाटाबेस कंपेयर करना बहुत मुश्किल है, कुछ बुक्स HBr को ज्यादा मानती है, कुछ H2SO4 को ज्यादा मानती है, ठीक है। मुझसे पूछा जाए मैं HBr को थोड़ा सा ज्यादा मानूंगा, बाकी ऐसा कुछ है नहीं, बहुत ज्यादा पास है एक दूसरे के, इस वैल्यू पे कैलकुलेट करना मुश्किल होता है। उससे ज्यादा HI और उससे भी ज्यादा HSBF6, समझ में आया? तो चलिए आप मुझे बताएं बहुत सारी पॉइंट्स जो आपको अब इन सब टेबल पे को देख के समझ में आया होगा डाटास को, कि हम कौन सा इफेक्ट हमारे लिए डोमिनेट होगा। मुझे तो एक चीज डोमिनेट लग रही है कि नेगेटिव चार्ज किस पर है, साइज, साइज बहुत बड़ा डोमिनेट है। तो अगर कोई नीचे चला गया एटम, जैसे I- पे नेगेटिव चार्ज, तो बहुत ज्यादा एसिडिक है। एक तो हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है और दूसरा साइज भी बड़ा है, तो साइज फैक्टर बहुत बड़ा डोमिनेट करता है मूविंग डाउन द ग्रुप। लेकिन ऐसा क्या रीजन है ये SBF6 उससे भी ज्यादा हो गया, क्योंकि एक एंटीमनी नीचे भी आता है और उसके ऊपर 6 फ्लोरीन एटम जुड़े हुए हैं जो उससे इलेक्ट्रॉन खींचने के लिए तैयार है, समझ में आ रहा है? इस कारण ये थोड़ा और ज्यादा एसिडिक हो गया, इससे भी ज्यादा, समझ में आ रहा है? तो अब आप मुझे बताइए एक और चीज, HF और H2O में कौन ज्यादा एसिडिक है, HF। यहां साइज नहीं देख रहे हैं, यहां क्या देख रहे हैं, सेम पीरियड के अंदर क्या देखोगे आप, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सेम पीरियड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से आंसर देंगे हम, लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। तो फ्लोरीन की सबसे ज्यादा है, फिर ऑक्सीजन की है और उससे भी कम है नाइट्रोजन की, और उससे भी कम है कार्बन, नॉर्मल कार्बन की, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन की या sp2 भी, समझ में आ रहा है? sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज्यादा होती है, इसलिए एल्काइन, टर्मिनल एल्काइन ज्यादा एसिडिक है। मैं टर्मिनल एल्काइन क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि हाइड्रोजन उस कार्बन से जुड़ना चाहिए जिसपे sp हाइब्रिडाइजेशन है, समझ में आ रही है बात? तो इस टेबल से हमें बहुत सारी चीजें मिल रही है, कुछ पॉइंट्स आपने बहुत अच्छे पकड़े, तो आप मुझे कुछ खास पॉइंट्स जो आपके बहुत काम आएंगे उन पे बताइए पॉइंट्स, और उससे पहले कुछ डाटास भी आप मेरे को बताइए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। H2CO3 और CH3COOH में कौन ज्यादा एसिडिक है, डाटाबेस दो पीके की वैल्यू के आधार पर बताए, एसिडिक स्ट्रेंथ देखो, CH3COOH ऊपर है, ज्यादा एसिडिक कौन है, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट में लिखे हैं, इसको बोलते हैं कार्बोनिक एसिड, ये हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड। और एक और है, ये किससे ज्यादा है, फिनोल से, फिनोल को हम बोलते हैं कार्बोलिक एसिड,
कार्बोलिक निक कार्बोक्सिलिक अंतर है, तीनों एसिड है और ये तीनों ही एसिड वाटर से ज्यादा है। पक्का? कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां हमारे पास पॉइंट्स आ रहा है, तो मुझे आपसे एक और पॉइंट पे उम्मीद है कि इन दोनों में एसिडिक स्ट्रेंथ में, ये तो फर्स्ट हुआ, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर, एक और एक पॉइंट हो गया, फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवेंथ है, अगेन एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर। इसमें बताइए आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इन दोनों में, कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है? कीटोन वाला, बिल्कुल सही है। पता है इसमें ये वाला हाइड्रोजन निकलेगा, क्योंकि ये वाला हाइड्रोजन निकलने के बाद यहां माइनस आएगा जो रेजोनेंस में है। कभी, जबकि यहां नेगेटिव चार्ज किस पे है? ऑक्सीजन पे है। तो एक मिनट, मेरी बात पूरी नहीं हुई है। तो इसका मतलब नेगेटिव चार्ज अगर ऑक्सीजन पर है और एक तरफ कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, तो हो सकता है कि कार्बन वाला नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी कभी ज्यादा हो जाए, लेकिन कब? जब वो हर डायरेक्शन में रेजोनेंस शो करे और इतना स्ट्रॉन्ग रेजोनेंस शो करे कि यहां पर भी रेजोनेंस होके वो ओपे माइनस जा रहा है, यहां पर भी रेजोनेंस होके वो ओपे माइनस जा रहा है। अगर किसी एक पे जाता तो इतना एसिडिक नहीं होता। एक डे टाइम नहीं, कॉन्जुगेशन में तो आ गया ना, तो वो हमेशा इस पे नहीं रहेगा, 99% इन दोनों पे रहेगा। नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा आपके लिए, ठीक है ना बेटा? वो तब की बात होती है जब यहां पर इफेक्टिव रेजोनेंस, आप देखो, आप अपना ही दिमाग लगा रहे हो, यहां पर यहां जाएगा डबल बॉन्ड, यहां आएगा, समझ में आ रहा है? ठीक है, यहां डबल बॉन्ड कार्बन नहीं है, आप इनको क्रॉस और यहां ओ माइनस, ये इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी, जबकि इसकी इफेक्टिव रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक ही होगी। पता है कौन सी? आप खुद बताओ, ओ माइनस ये है, इसकी एक भी ढंग की नहीं है, ये यहां गया और ये यहां आया, तो नेगेटिव चार्ज कहां आ रहा है? कार्बन पे। इसके पास भले ही रेजोनेंस बहुत ज्यादा है और वो भी सीक्वेंस वाला है, लेकिन मजे वाली बात नहीं है, इसकी एक ही भारी है, ठीक है ना? तो आप जो बोल रहे हो ना क्रॉस और सीक्वेंस, यार दो दो क्रॉस है, मैं मान रहा हूं क्रॉस का इतना इफेक्ट नहीं होता, लेकिन दोनों में ही ऑक्सीजन पे नेगेटिव जा रहा है, इसलिए इफेक्टिव हो गया, जबकि यहां सिक्वेंस है और सिक्वेंस में नेगेटिव चार्ज किस पे जा रहा है? कार्बन पे। तो इसलिए ऑरल इसका एनायन ज्यादा स्टेबल है, ये ज्यादा एसिडिक है। और पूछो, बहुत सारे पॉइंट्स आपके पास आ रहे हैं, आप NH3 को बेस बोलोगे या एसिड बोलोगे, ये क्वेश्चन आता है, समझना। कोई भी कंपाउंड इस थ्योरी के अकॉर्डिंग एसिड बेस दोनों भी हो सकते हैं, आप बस कंपेयर कर रहे हो कि किसके रेस्पेक्ट में इसको हम एसिडिक में कंपेयर कर रहे हैं और किसके कंपेयर में इसको बेस के कंपेयर कर रहे हैं, समझ में आ रहा है? तो एक कंपाउंड एसिड बेस दोनों बन सकता है, डिपेंड करता है सामने वाला क्या है, समझ में आ रही है बात? तो इस तरह की हमारे पास पॉइंट्स हो गए।